को ही आसमान समझ लेते हैं, यंत्र को ही यहाँ इंसान समझ लेते हैं, वो समझते रहें जो उनकी समझ में आए, हम तो श्रोता को ही भगवान समझ लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत अच्छी पहल, मुझे भी इसमें बोलने का अवसर। ओसीन ने कहा कि आपको आना है, मैंने कहा बिल्कुल हम उपस्थित होंगे। 10 पुस्तकें लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, आपने क्या लिखा उन पुस्तकों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं आज की जो पौध है, आज अच्छे अच्छे लेखक उभर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे उम्र के लेखक लेखिका जो जिनकी उम्र मात्र अभी 15 साल है, 17 साल है, 18 साल है, 20 साल है, ऐसे भी लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। पहले थोड़ी समस्याएं होती थी कि पब्लिकेशन अगर आपकी पुस्तकें छापे तभी आपके पास पहुँचे या लिखे, आज ढेर सारे माध्यम हैं आपको पढ़ने के, आप ऐसे माध्यमों से अपनी पुस्तकें निःशुल्क जो है पब्लिश कर सकते हैं, तो आप ढेर सारे लोगों तक पहुँच रहे हैं। लेकिन लिखना और क्या लिखा जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे लेखन में अध्ययन का महत्व। निसंदेह हम युवा लेखकों को भी पढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के उन धुरंधरों को भी पढ़ा है और अपने जीवन में लगभग अपने सैलरी से 3.5 से 5.5 लाख तक की किताबें खरीद के पढ़ी हैं, एक सुंदर सी लाइब्रेरी भी घर में बनाई है, तो उसका असर आपके लेखन में पड़ता है। जब आप अच्छा लिखते हैं तो अच्छे लोगों तक पहुंचती है बात और उसको लोग पढ़ते हैं और आपकी समीक्षा करते हैं। मैं स्वतः लिखता हूं कि शब्दों के गुम्फन में यदि भावों का इत्र नहीं है, छिपा नहीं यदि समाधान तो कविता मित्र नहीं है, और शब्दों की आवृत्तियों से यदि कोई अर्थ न निकले तो कविता आडंबर है, साहित्य का चित्र नहीं है। तो आडंबरों से दूर आज की जो जनरेशन है वो निसंदेह पढ़ नहीं रही है, अच्छे लेखकों को नहीं पढ़ रही है, तो बहुत अच्छे। और किताब की कीमत सर 750 से 800 रुपये ऐसी हो जाती है, और जब उस किताब को ले लीजिए अच्छा सा, अच्छा ऊपर शीर्षक बहुत अच्छा देते हैं, और जब भी किताब अमूमन खरीदी जाती है तो उस लेखक का परिचय और उसने क्या किया है इससे खरीद ली जाती है, लेकिन घर लेके जाइए तो कहीं ना कहीं उस लेखक के प्रति ये बड़ी मलाल रहती है कि इनका अध्ययन कहीं ना कहीं से कम रहा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम को भी लेते हैं तो ऐसे ले लेते हैं कि अरे उनको तो सब कुछ पता था तो माता जानकी का पता क्यों नहीं लगा पाए। तो ये भी बात ऐसी है कि वो उन्होंने सांस्कृतिक पूरा जो था मर्यादा पुरुषोत्तम का, और जो वो क्यों पैदा हुए यहाँ से लेके तुलसी रामायण से लेके अन्य चीज़ों का भी अध्ययन नहीं किया। उन्होंने जो सुना, जो फेसबुक से, जो व्हाट्सएप से, जो लिटरेचर उनको मिला वहाँ से लिख दिया। तो अभी अध्ययन का बड़ा जो है असर पड़ रहा है लिखने वालों में। अध्ययन के बिना लिखना उसी तरह है जैसे प्रेम के बिना जीवन, अध्ययन के बिना उसी तरह लिखना है जैसे आप किसी भी खेत में हल चला दो और बीज ना बो, लेकिन उसमें भी खरपतवार उग ही आते हैं, वो खरपतवार भी किसी न किसी काम आते हैं, चाहे उसे जानवर खा लेते हैं। तो अध्ययन के बिना लिखना वही खरपतवार है, लेकिन जब आप अध्ययन के साथ लिखते हैं तो निसंदेह वो बीज बोने जैसा होता है और आप अच्छी फसल काटते हैं। तो आप सबसे, आप जितने अच्छे लिखने वाले लोग हैं और युवा हैं, तो वो निसंदेह मेरी आपसे अपील है कि आप खूब अच्छा पढ़िए, और पढ़ने का तरीका क्या है, मोटिवेट भी होइए, जरूरी नहीं कि पुस्तकें ही पढ़िए, बिकॉज मोटिवेशन इज़ द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग, अभिप्रेरणा जो होती है वो सुपर हाईवे है सीखने के लिए। तो अभिप्रेरित होइए, अच्छे लोगों को सुनने का अवसर मिले, जब आप गाल, होंठ, आँख इससे आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जब आप किसी की सुंदरता का भी वर्णन करते हो, जब पढ़ के लिखते हो, जब आप अभिप्रेरित होकर लिखते हो, जब डूब कर लिखते हो, तो लिखते हो कि अनुकृत न जिसकी हो सके वो रूप तुमने पाया, उपमान भी सिमट कर उपमेय में समाया, ईश्वर की कला का अंतिम निखार हो तुम, यदि रूप की हो सीमा तो सीमा के पार हो तुम, तब इस तरह की रचनाएँ निकल के आती। तो कहीं ना कहीं से अभिप्रेरित होता है आदमी। हर व्यक्ति एक कहानी है,
हर व्यक्ति में एक कहानी, हर व्यक्ति कहानी लिखना चाहता है। हर व्यक्ति के दो चेहरे होते हैं, हर व्यक्ति का दो जीवन होता है, एक वो जो वो जी रहा है, एक वो जो वो जीना चाह रहा है। जो आप जी रहे हो वो तो जी ही रहे हो, जो जीना नहीं चाह रहे हो वही कहानी है, वही कविता है। माननीय न्यायमूर्ति जी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, इन सबको सुन के हम लोगों ने बड़ी प्रेरणा ली और मैं बार बार इनको प्रणाम करता हूँ कि जब ये किसी कार्यक्रम में होते हैं तो निस्संदेह वो कार्यक्रम बहुत बड़ा होता है। ऐसे लोगों को भी हमें सुनना चाहिए, ऐसे लोग इन कार्यक्रमों में समय दे रहे, इनसे अभिप्रेरित होना चाहिए। तो जितने भी अच्छे लोग हैं उनकी उम्र ना देखते हुए, उनके जो है हुनर को देखें और उनको अभिप्रेरित करें, उनको प्रेरणा दें, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसी भी चीज़ें इस समाज से आगे आएंगी, हम सब पहुँचेंगे। इसके लिए अभी जैसे ब्लड बैंक की बात हो रही थी, तो निस्संदेह हमने भी तीन बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है ब्लड देने का, लेकिन तीनों बार मैंने कॉल पे दिया है, मैंने कभी लाइन नहीं लगाई। वो लोग वेट कर रहे थे और उनको बहुत आवश्यकता थी। तो ऐसे अवसर आप कभी न खोइए, क्योंकि हो सकता है बाद में बड़ा पछताना पड़े आपको कि हमने अवसर खो दिया। यही चीज़ लेखन में भी होती है। लेखन में जब भी आपके दिमाग में कुछ भी आ जाए तो लिखना शुरू करिए। आप शीर्षक नहीं ढूंढिए, आप स्टोरी के अंत को नहीं ढूंढिए, आप उसके प्रारंभ को ढूंढिए, अंत अपने आप मिलता चला जाएगा। यहाँ ऐसे भी बहुत लोग हैं जो ओपन माइक में हमसे मिलते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएँ वो लोग याद करते। तो आजकल जो ओपन माइक है उसमें भी मैं देखता हूँ कि बहुत जल्दी में हैं बच्चे लिखने के लिए ना, और अपनी गर्लफ्रेंड के आसपास घूम रहे हैं, अपनी खुद की कहानी के आसपास घूम रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा बढ़े तो माँ के आसपास घूम रहे हैं। तो ढेर सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने लिखने से पहले शीर्षक चुन लिया है, वो लिखने के लिए बैठ रहे हैं ना कि वो लिखते लिखते बैठ रहे हैं। तो आप जो है लिखने के लिए नहीं बैठिए, जब भी आपके मन में जो आए जैसा आए, आप शब्द विन्यास बहुत मत ढूंढिए, आप लिखिए ना। इस पंखे के बारे में लिखना हो तो आप लिखिए, ठीक है, इस दीवार के बारे में लिखना हो लिखने, इसकी संवेदनाओं को देखिए। आप तभी फिर अच्छे राइटर हैं, आप अच्छे कवि हैं, जब आपके अंदर संवेदनाएँ हैं। बस एक लेखक और एक जिंदगी में यही होता है, जो आपका साहित्य होता है ना उसमें सांसें नहीं होती उसकी जान, संवेदनाएँ उसकी जान होती, और ज़िंदगी में क्या होता है, सांसें होती। तो जिसकी जितनी अच्छी संवेदनाएं होंगी, जिसकी जितनी अच्छी सोच होगी, वो इतना अच्छा राइटर है। और सोच आपकी परिवेश पे निर्भर करती है, तो परिवेश आपका जो है वो उतना ही आपको सिखाएगा जितना उस परिवेश की विचारधारा है, उसके संस्कार हैं, उसकी संस्कृति है, उसकी सभ्यता है। लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, अध्ययन शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे, तो निस्संदेह आप अच्छा लिख जाएंगे। फिर आप साहस को भी परिभाषित करेंगे तो इस तरह से करेंगे। साहस क्या है? साहस ये है कि आप 30 बार ब्लड भी दे दो, इसका भी एक बहुत बड़ा साहस है। साहस ये है कि आप अच्छी रचनाओं को उद्गृत कर दो, ये बड़ा साहस है। साहस ये है कि आई थिंक आई द चेंज आप जो है आयोजित कर दो, बहुत बड़ा साहस है इसके इर्द गिर्द। लेकिन जब आप अध्ययन करके लिखते हो, जब बहुत सोच के लिखते हो, तो साहस की परिभाषा ऐसी आती है कि आप जटायु के साहस की बात करो, तब वहां से साहस की परिभाषा उठाओगे, तब आप लिखोगे कि जटायु के एक कटे पंख ने दूसरे से कहा कि होगा तू दाया पंख, पर रावण का प्रहार पहले मैंने सहा। दूसरा बोला, तू अभी तक पहले और बाद के विवाद पे ठहरा है, इधर देख मेरा घाव तेरे घाव से कहीं ज्यादा गहरा है। दोनों का गौरव से भरा था अपना अपना बलिदान, पर दोनों का स्वर एक ही समय में गूंजा कि हम खुश हैं कि हमारे भीतर नहीं रही है उड़ान। हवा चलती है तो पेड़ पौधों पर छितराए पंखों के नन्हे नन्हे रेशे डोलते हैं, मानो कह रहे हों कि जो अन्याय का विरोध करता है उसके कटे हुए पंख भी बोलते हैं। हवा चलती है तो पेड़ पौधों पर छितराए पंखों के नन्हे नन्हे रेशे डोलते हैं, मानो कह रहे हों कि जो अन्याय का विरोध करता है उसके कटे हुए पंख भी बोलते हैं। यूं तो आतताई शक्ति का समंदर एक छोटी सी कश्ती से हारता है, पर रावण को राम से पहले एक परिंदे का साहस मारता है, एक परिंदे का साहस मारता है। तो इस तरह से आप परिकल्पनाएँ करेंगे, आपकी जितनी अच्छी संवेदना होगी, जितनी अच्छी परिकल्पना होगी, साहित्य उतना अच्छा हो जाएगा। तो आप प्लीज़ शीर्षक नहीं ढूंढिए, उसका अंत नहीं ढूंढिए, क्योंकि कहानी का अंत आप ढूंढ लोगे ना तो फिर कहानी ख़राब हो जाएगी।
फिर समीक्षक उसको ऐसे उधेड़ेंगे बुनेंगे कि आपको लगेगा अरे दूसरी पुस्तक मत लिखो। और आज के समय में साहित्यकार खुद कह रहा है कि मैं साहित्यकार हूँ। नीलोत्पल मृणाल जी को देख लीजिए अभी आप, ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण है। डार्क हार्स उन्होंने लिखा, औघड़ अभी लिखी उन्होंने, डार्क हार्स पढ़िए क्या है। वो खुद उसमें लिखते हैं कि हम जो है कोई साहित्यकार नहीं है, लेकिन समाज आज का जो है परिवेश उनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित कर देता है, जो स्वतः ही लिखता हो कि मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ। तो क्यों? क्योंकि लोगों ने डार्क हार्स में देखा, वो बेस्ट सेलिंग में जो है प्राइस पाई, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, उन्होंने कुछ नहीं लिखा जो हमारे आसपास था, हमारे आईएएस जितने थे, जितनी तैयारियों के लोग हैं ना, उनकी भाषा भी उसमें बहुत वो नहीं है। लिखते हैं कि जितना दिन पीएचडी एमए करने में लगी उतना अगर तू चभक के पढ़ ले 5-10 साल तो आईएएस बन जाओ, ठीक है। तो इस तरह की भाषा का भी यूज है, लेकिन वो पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार पाती है। क्यों पाती है? क्योंकि लोगों को पसंद आई, उन्होंने सोचा नहीं कि हमें क्या लिखना है, जो वो लिखते थे लिखते चले गए, उसका एक अच्छा सा समापन किया, बीच बीच में लोगों को। तो आप सबसे निवेदन है, खूब अच्छा पढ़िए, खूब अच्छा लिखिए, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।